देखिए, जिस तरह से प्लांट और एनिमल्स का नाम रखा जाता है, उसी तरह से वायरस के भी नाम रखे जाते हैं। वायरस के नाम को रखने के लिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर है, जो कि वायरस के नाम को समय समय पर सुझाता रहता है। इसके अनुसार वायरस का जो नाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कॉमन नेम को शो करता है। कॉमन नेम टू पार्ट होता है, पहला पार्ट कॉमन नेम को शो करता है और दूसरा पार्ट जो होता है कोड के फॉर्म में होता है, जो कि वायरस की पूरी इन्फॉर्मेशन को देता है। कोडेड इन्फॉर्मेशन जिसको बोलाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, जो इंटरनेशनल कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर जो होता है, यही नाम को सुझाता है। और उसके अनुसार वायरस के टू पार्ट, वायरस के नाम में दो भाग होते हैं वायरस नोमेनक्लेचर के। पहला कॉमन नेम, दूसरा क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राम्स के बारे में हम समझ लेते हैं, क्रिप्टोग्राम वास्तव में होता क्या है। देखिए, क्रिप्टोग्राम जो होता है इसमें कुल फोर पार्ट्स होते हैं जो कि कोडेड फॉर्म में लिखे होते हैं। तो जो क्रिप्टोग्राम्स का पहला पार्ट्स होता है, क्रिप्टोग्राम्स जो पहला पार्ट होता है रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को, साथ ही साथ कितने स्ट्रैंड हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन इन न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ करता है सो। और जो दूसरा पेयर होता है, सेकेंड पेयर जो होता है, ये न्यूक्लिक एसिड के मॉलिकुलर वेट को शो करता है, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इसके अलावा ये अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक्सप्रेस एज ए परसेंट, मतलब कितना परसेंट न्यूक्लिक एसिड है एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको शो करता है। ठीक है, पहला पेयर जो होता है रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक एसिड को और कितने पेयर का है, दूसरा पेयर जो होता है ये शो करता है न्यूक्लिक एसिड का मॉलिकुलर वेट और कितना परसेंट है टोटल वायरस का ये, और थर्ड पेयर जो है ये वायरस के शेप को शो करता है, शेप ऑफ वायरस, और साथ ही साथ ये बताता है शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो चौथा पेयर है, चौथा फोर्थ पेयर, ठीक है, ये टाइप ऑफ होस्ट को बताता है, टाइप ऑफ होस्ट, और इस होस्ट जो मतलब वायरस, इसका कैरियर कौन है। ठीक है, कैरियर ऑफ वायरस, कैरियर ऑफ वायरस फॉर ट्रांसमिशन, मतलब एक स्थान से दूसरे जाने के लिए कौन सा कैरियर काम कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे टीएमबी का आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, टीएमबी का जो क्रिप्टोग्राम होता है आर अपन वन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आर का मतलब हुआ कि इसमें आरएनए है और वन का मतलब हुआ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, इसके बाद टू अपन फाइव का मतलब हुआ कि इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 200,000 है। ठीक है, 200,000, और फाइव का मतलब हुआ टोटल न्यूक्लिक, टोटल वायरस का ये 5% है। ठीक, और जो तीसरा होता है ई अपान ई, इसका मतलब हुआ कि जो शेप ऑफ वायरस है इलांगेटेड है और शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो भी इलांगेटेड है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ पेयर जो होगा वो होगा यस अपान ए। तो यस का मतलब हुआ स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब ये स्पर्मेटोफाइट्स पे, बीज वाले पौधों पे अटैक करता है, और जो ए का मतलब होता है इसका ट्रांसमिशन जो होता है एयर के द्वारा होता है। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरियोफाज का भी क्रिप्टोग्राम समझ लीजिए। देखिए, बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, वहाँ पे डीएनए होता है, यानी डी डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी डी अपॉन टू हो गया। ठीक है, और उसका जो मॉलिकुलर वेट जो होता है न्यूक्लिक एसिड का करीब 130,000 होता है, 130,000।
ठीक, और पूरा न्यूक्लिक एसिड पूरे वायरस का 40% होता है, ठीक है। और ये यक्स अपान यक्स, ठीक है, और इसका होस्ट जो होता है बैक्टीरिया होता है, ट्रांसमिशन किसी के द्वारा भी नहीं होता, जीरो ट्रांसमिशन इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से क्रिप्टोग्राम पोलियो वायरस का भी देख लीजिए, इसका आर अपन वन होता है, मतलब आर एन ए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और 2.5/30 होता है मॉलिकुलर वेट और उसका परसेंटेज, और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल होता है, और वी अपन ओ, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन किसी के द्वारा नहीं होता, ये वायरस पे अटैक करता है पोलियो वायरस, ठीक है। तो ये आपका पूरा तीन का मैंने क्रिप्टोग्राम्स का यहाँ एग्जाम्पल आपको दे दिया है। अब